हेलो फ्रेंड्स, आशा हब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए और मेरे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बालूशाही। इसके लिए लिया है मैंने 500 ग्राम मैदा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। घी डालने से बालूशाही सॉफ्ट बनती हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच खाने का सोडा, दूध, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हाथ से ही और एक इसका अच्छा सा डो बना लेंगे। डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका डो सॉफ्ट रहेगा उतना ही ज़्यादा आपका बालूशाही भी सॉफ्ट रहेगा। अब ये मैंने लिया है यहाँ पे मठा, आप यहाँ चाहें तो दही भी यूज़ कर सकते हैं। इसका हम एक अच्छा डो बना लेंगे। अभी डो बन के तैयार है। अब हम इस पे एक गीला कपड़ा ढक के इसको 30 मिनट के लिए लगभग छोड़ देंगे। जब तक हम डो को साइड में रख देंगे और यहाँ दूसरी तरफ हम चाशनी की तैयारी करेंगे। चाशनी के लिए मैंने लिया है 1/2 किलो लगभग चीनी। इसमें हम इसका ही 1/2 पानी ऐड करेंगे। आप किसी भी बर्तन से चीनी नाप सकते हैं, उसका ही आप 1/2 पानी ऐड करेंगे। इस तरीके से हम ये चाशनी तैयार करेंगे। एक तार वाली चाशनी हमें इसके लिए तैयार करनी है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 इलायची, 2 से 3 दालचीनी। ये इसमें एक अच्छा फ्लेवर ऐड कर देंगी। को हम इसी तरीके से चलाते जाएंगे। अभी डो को लगभग 30 मिनट हो चुके हैं तो हम इसकी एक बराबर इस तरीके से ये लोइयां या गोलियां कर लेंगे और इसको हाथ से इस तरीके से एक बीच में होल करके या गोल करके इसको शेप दे देंगे। आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से मीड़ना है। जितना आप इसको इस तरीके से गोल गोल घुमाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके बालूशाही में लेयर आ जाएगी। अभी यहाँ हमारी ये चाशनी लगभग बनके तैयार है और हमारी ये सारी बालूशाहियाँ भी बनके तैयार हैं। अब हम इनको तेल में तलेंगे। तेल को मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं। आप चाशनी को इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आप इसको हाथ में लीजिए और यदि ये हाथ में चिपकने लगे इट मीन्स ये रेडी है। अब हम स्लो फ्लेम पे इन बालूशाहियों को डालेंगे। इनको हमें स्लो फ्लेम पे ही सेकना है ताकि ये अंदर से कच्ची ना रहें। इनको हम तब तक सेकेंगे जब तक ये अच्छे गोल्डन ब्राउन कलर में ना आ जाए। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब मैं इनको निकाल लूंगी। आप प्लीज़ इन बालूशाहियों को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। आप शादी समारोह में या फिर किसी भी फंक्शन में इनको खाते हैं, लेकिन घर में भी आप इनको आसान तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने इन बालूशाहियों को इस चाशनी में डाल दिया है और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और अब ये बालूशाहियाँ बनके तैयार हैं। आप इनके ऊपर एक एक काजू या फिर बादाम या किशमिश एक एक इस तरीके से लगा के सर्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।